ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रहों में कब क्या बदलाव हो जाए इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ग्रहों में रोजाना कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है जिसकी वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। अगर ग्रहों में होने वाले बदलाव की चाल ठीक स्थिति में हो तो राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं अगर ग्रहों की चाल ठीक स्थिति में ना हो तो इसका बुरा प्रभाव भी झेलना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर 90 सालों के बाद महाकाली की खास कृपा होने वाली है। कई सालों बाद महाकाली इन राशियों को अपना आशीर्वाद देंगी जिसकी वजह से इनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये अपने जीवन में लगातार तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन राशियों पर महाकाली मेहरबान होने वाली हैं। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर महाकाली की खास कृपा दृष्टि बनी रहेगी। खास तौर से आपको अपने व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। इस राशि वाले व्यक्तियों को अचानक भारी धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी नए नीति के अनुसार कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। महाकाली की कृपा से घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को महाकाली की कृपा से अपने शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। अगर आपका कोई कार्य बहुत ही लंबे समय से रुका हुआ है तो वो भी पूरा हो सकता है और जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनके व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार हो सकता है जिससे कि आपको अच्छा फायदा मिलेगा। महाकाली की कृपा से पारिवारिक परेशानियां भी दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को महाकाली की कृपा से आने वाला समय अति फलदायक साबित होने वाला है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं, उनके बीच चल रही गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों को अपने व्यापार में अच्छा फायदा मिलेगा। महाकाली की कृपा से धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। आपको अपने कर्जों से भी छुटकारा प्राप्त होगा। चौथा, तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को महाकाली की कृपा से नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। उच्च अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। आपका मन मुताबिक कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही काम करने वाले लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। साझेदारी से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों को विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है और आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पांचवा, मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर महाकाली मेहरबान होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपका आने वाला समय बहुत ही खास रहने वाला है और आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। धन कमाने के बहुत से अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप इन अवसरों का लाभ जरूर उठाएं। घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में आप अहम भूमिका निभाएंगे। माता पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा और भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। छठा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को महाकाली की कृपा से अपने व्यवसाय में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है।
इस राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में प्रेम योग बन रहा है और इस राशि के व्यक्तियों का प्रेम विवाह हो सकता है। महाकाली की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं। अगर आप कहीं धन निवेश करते हैं तो उसमें आपको भारी लाभ मिलने का योग बन रहा है। तो दर्शकों, ये थी वो 6 राशियां जिनको 90 सालों के बाद महाकाली के मेहरबान होने से ये अब अमीर बनने वाली हैं और जिंदगी भर इनकी तिजोरी अब धन से भरे रहने वाली है, जिससे कि ये राशियां अब अपने जीवन में बहुत सारा सफलता पाने वाली हैं। जबकि वहीं कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए आने वाला समय सामान्य रहने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जान लेते हैं उन बची हुई बाकी की राशियों के बारे में। तो बची हुई राशियों में शुरू करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि वालों से। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर भाई बहनों के साथ भी विवाद होने की संभावना बन रही है। आपकी फिजूल खर्ची भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम रखें। आप आने वाले समय में किसी भी नए कारोबार की शुरुआत मत कीजिए, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी नए कारोबार की शुरुआत करते हैं तो अपने घर परिवार के लोगों की सलाह जरूर लीजिए, उसके साथ ही सभी कार्य योजनाओं के तहत करें, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। मित्रों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। आपके द्वारा की गई जल्दबाजी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना गुस्से में कोई बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपने घर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। किसी भी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय कष्टदायक रह सकता है। धन से संबंधित लेन देन में आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। वाहन चलाते समय आप सावधान रहें, वरना दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी सी बड़ी चुनौती को भी आप पार कर सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनका अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा। अचानक आपको कोई बुरा समाचार भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही ज्यादा परेशान रहेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत के अनुसार आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी महिला मित्र की सहायता भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन आप धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम न लें। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अचानक आपको धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा की गई पुरानी गलती की वजह से आप बहुत मुसीबत में आ सकते हैं।
इसलिए आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। अचानक किसी छोटी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है।